आशास किचन। तो आज हम चने की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, हम चने फ्राई करेंगे लेकिन बहुत ही अलग तरीके से फ्राई करेंगे। चने तो सभी कोई फ्राई करता है और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई करे हुए चने, तो हम भी करते हैं। कभी कभी हम नॉर्मल कर लेते हैं तो कभी कभी हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो ये मैंने चने भिगो दिए थे, अच्छे से फूल गए हैं, ये देखिए अगर ताप के देंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे से भीग गए हैं, हमने 6-7 घंटे भिगो लिए थे। तो इसी के साथ हम डालेंगे ये मूंगफली के दाने, ये भी मैंने भिगो दिए थे और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और अच्छे से भीग भी गए हैं। तो हम इनको बॉईल करते समय नहीं डालेंगे, हम इनको बाद में डालेंगे। तो ये चने हम कुकर में डाल देते हैं, हम इन्हें फ्राई करेंगे टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तो जैसे हम फ्राई करेंगे, आप लोग अगर इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे चने आपको लगेंगे खाने में, जैसे फ्राई किए जाते हैं उससे बिल्कुल अलग लगेंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये सारे चने हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए डाल दिया मैंने सारे चने, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम कितना डालेंगे ये आप देख लीजिए, मैं आधा गिलास पानी ली हूँ, ये आधा गिलास पानी इसमें डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। और अब इसमें हम क्या क्या डालते हैं ये हम आगे दिखाते जा रहे हैं। तो इसमें हम ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देते हैं, इससे इनका जो फ्लेवर चनों में आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। हम और कोई मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सब्ज़ी नहीं बनाना है, हमें इसे फ्राई करके खाना है। और इसमें हम एक चीज़ और डाल देते हैं, 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, मात्र 1 चम्मच बस, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि जब हम नमक ऊपर से डालते हैं ऐसे तो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं करता, नमक अंदर तक भीतता नहीं, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो चने हमारे हैं ये अच्छे से नमकीन हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/4 चम्मच। और इन सब चीज़ों को मिला देते हैं हम। और अब इसको चलते हैं बॉयल करने चलते हैं, ढक्कन को लगा दिया। ये चढ़ा दिया, 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगा लेंगे और 2 सीटी हम मीडियम में लगा लेंगे। तो हाई फ्लेम पे सीटी जो लगनी है उसको लग जाने देते हैं। 3 सीटी हमारे आ चुके हैं, हम चने चेक कर लेते हैं, प्रेशर भी खत्म हो गया है। चने बढ़िया से बॉयल्ड हो गए हैं और देखिए पानी भी लगभग जल गया है सारा पानी, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, जरा सा पानी बचा है। अगर हम 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगा देते तो पानी सारा जल जाता। तो चने देखिए, हमें चनों को ऐसा नहीं उबालना चाहता कि एकदम फट जाए चने, हमें सिर्फ बॉयल करना था। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल्ड हो गए हैं, तो चनों को हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। तो चने हमने निकाल लिए हैं, इनको एक साइड में रखते हैं, चलते हैं मसाला इसका तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने जो चने का पानी बचा था उसमें घी भी था, नमक भी है इसमें, तो हम इसी पानी में मसाले बनाएंगे। थोड़ा सा पानी हम और ले लेते हैं, ये डाला पानी इसमें और अब इसमें जाएगा, तो हम थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, बहुत कम, धनिया पाउडर, चने हैं तो गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम थोड़े से हरे मिर्च भी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है ना ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका फ्राई चने में। और इसमें जाएगा हींग, ये गया हींग, और अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे मसाले तैयार हो गए, अब चलते हैं कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो हम ये चने सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं, सरसों के तेल में चने फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी आप लोग जिसमें खाते हो जो तेल खाते हो वो डाल सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देते हैं,
तेल गरम हो गया है तो हम ये जीरा डाल देते हैं। इसमें हम प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। जो प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज न डालें, ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं बिना प्याज के। तो प्याज को हम भून लेते हैं बढ़िया से। इसी के साथ ये हरा मिर्च डाल देते हैं। एक मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी इसी में भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा बढ़िया से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मसाले तैयार करके रखे थे, ये डाल देंगे और इसको भी इसी में पका लेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग नवरात्र में चने फ्राई करते हैं, अगर आप प्याज नहीं डालोगे तो सेम चने वैसे लगेंगे जैसे हम नवरात्र में फ्राई करते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं चने। तो कभी कभी हम प्याज डाल के भी बना लेते हैं, तो कभी कभी हम बिना प्याज के भी बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। तो ये देखें मसाले हमारे भुन गए हैं बढ़िया से, और अब इसमें हम नमक डालेंगे और जीरा पाउडर डालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये डाल देंगे और डालेंगे नमक। तो हम इसमें काला नमक भी डालेंगे और इसमें सादा नमक भी डालेंगे, तो स्वादानुसार हम नमक डाल देंगे। ये गया नमक, इसको मिक्स कर दिया। और अब इसमें जाएंगे ये आलू थोड़े से, मैंने बॉईल करके आलू लिए, इन्हें ठंडे कर लिए हैं अच्छे से। अगर हम आलू डाल के चने फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनको भी हल्का सा इसी में भून लेंगे। और ये जो हमने मूंगफली के दाने लिए हैं ये भी डाल देंगे, तो हम सारे नहीं डालेंगे, इतने बचा लेंगे और इनको भी इसी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली के दाने जो होते हैं ना, अगर हम बॉईल कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं, अगर इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये हल्का हल्का इसमें क्रंचीपन रहता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब डालेंगे अपने ये चने। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या छोटे छोटे टिप्स हैं, इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे, इनको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, तो हमारे जो खाना है हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक साथ कर देंगे। और अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, ये सारी चीज़ें सीक्रेट है, इस दालचीनी का टुकड़ा है, ये भी हटा देते हैं। गैस को स्लो कर देंगे। तो अब इसमें जाएगा ये सीक्रेट पाव भाजी मसाला, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, वरना अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो ये डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट है, जितने चने हम फ्राई करके खाते हैं, जो हम सभी लोग फ्राई करके खाते हैं, उससे ये वाले चने अगर फ्राई करके खाएंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे, ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे, तो आपके चने इतने अच्छे बनेंगे और इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। तो ये हो गए, फ्राई कर दिया मैंने, अब इनको थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए हम ढक देते हैं। ढक के दो मिनट हम इन्हें पकने देते हैं ताकि हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो हल्का सा पक जाएं। दो मिनट हो गए हैं, चने हमारे फ्राई हो गए बढ़िया से और इनकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, कुछ कहने को नहीं। तो गैस को बंद करते हैं और इसमें डालते हैं नींबू, आधा नींबू का रस डाल देते हैं, इससे बढ़िया सा खट्टापन आएगा। अब आप पूछोगे चाट मसाला क्यों नहीं डाला, चाट मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला, इसलिए चाट मसाला नहीं डाला है। और ये नींबू डाल दिया तो इससे खट्टा खट्टा लगेगा बढ़िया सा। सारा मिक्स कर देंगे और चने हमारे बन के तैयार हो गए। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं और इनको निकालते हैं एक बाउल में। तो ये हमारे चटपटे टेस्टी चने बनके तैयार हो गए हैं। डेकोरेट करते हैं धनिया के पत्ते के साथ में। तो कैसे लगे हमारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ में ये चने? अब आप लोग बनाएंगे तब आप लोग बताएंगे कि हमारे चने कैसे फ्राई हुए हैं, टेस्टी बने हैं कि नहीं बने, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताना फ्रेंड्स। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना,
हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।